वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आए हैं सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर में पाव भाजी खाने के लिए। अब ये बताओ, आप में से पाव भाजी कितने को पसंद है? मेरे हिसाब से सबको पसंद होगी। तो सब जाके वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि कहाँ की पाव भाजी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। घर की है तो घर की बताओ, कहीं और की तो कहीं और की बताओ। अगली बार हम शायद से वहीं जाएँ। और सब्सक्राइब का बटन रेड से ग्रे करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। तो गाइस, आज हम आए हैं झकास पाव भाजी पे उनकी पाव भाजी ट्राई करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कितनी झकास है उनकी पाव भाजी, और दिखाते हैं कैसी है पाव भाजी और कौन कौन सी पाव भाजी देते हैं वो। पाव भाजी के साथ वो बड़ा पाव दबेली भी देते हैं, तो चलिए दिखाते हैं। सो दिस इज शुभम एंड पूजा एंड यू आर वॉचिंग द ट्रस्टी टेस्ट एक्सपर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो ये है इनका मेन्यू। ये देखो, वड़ा पाव भी देते हैं, पाव भाजी भी देते हैं, दाबेली भी देते हैं, बॉम्बे तवा पुलाव, बेसिकली ये सब कुछ बॉम्बे से रिलेटेड जितना भी महाराष्ट्रियन फूड है ना वो देते हैं। अब इनकी पाव भाजी जो हम ट्राई करने के आए हैं, उनका टाइप देखो, बटर तड़का पाव भाजी है, बटर मसाला पाव भाजी है, चीज़ वाली है, खाड़वी पाव भाजी है। इनसे पूछनी पड़ेगी भैया से कौन सी है। तो चलिए खा के देखते हैं कौन कौन सी। तो हम सचिन भैया से बात कर रहे हैं। भैया ये बताओ कि ये जो शॉप है कितनी पुरानी है? इसको 8-9 साल हो गए हैं। 8-9 साल हो गए। हाँ, और भी ब्रांचेज है आपकी दिल्ली में? हाँ जी सर। कौन कौन सी? हमारी 5 ब्रांचेज हैं, पंजाइवा, कीर्ति नगर, कमला नगर और सुभाष नगर, और द्वारका अभी नहीं ओपन हुआ। अच्छा, द्वारका अभी नहीं ओपन ही हुई है। अच्छा, तो ये शॉप कितने बजे से कितने बजे तक खुलती है? इस वक्त 11 बजे ओपन होती है, रात को ऑफ होती है, रात को 11 बजे। 7 डेज? हाँ जी। ठीक है भैया, यहाँ की स्पेशलिटी क्या है भैया? चीज़ पाव भाजी। कितना क्या प्राइस होगा चीज़ पाव भाजी? उसका 110। अच्छा, और बाकी क्या क्या चीज़ सर्व करते हो? और पाव भाजी, वड़ा पाव, दावेली, तवा पुलाव। अच्छा, सारा महाराष्ट्रियन फूड है आपका, पूरा मुंबई वाला? हाँ जी। ठीक है, थैंक यू भैया। और ये गई पूजा हमारे ऑर्डर लेने के लिए। हमने ऑर्डर किया है एक चीज़ वाली पाव भाजी और एक सिंगल दाबेली। ये देखो हमारी बन रही है पाव भाजी। ज़रा बताओगे भैया अपना, अगर रेसिपी से शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं, क्या क्या डालते हैं उसके अंदर? सर इसके अंदर वेजिटेरियन मसाले वो होते हैं। क्या डालते हो भैया? वेजिटेबल्स। अच्छा, कौन कौन सी? जैसे टमाटर है, मटर है, शिमला मिर्ची है। अच्छा, तो ये जो कर रहे हो आप, मतलब इसे क्या बोलते हो इस चीज़ को जो हाथ से ऐसे कर रहे हो? भाजी की मशीन है। भाजी की मशीन है। अच्छा, कितनी देर से बना ये कर रहे हो, जो भी मैश टाइप कर रहे हो आप? ये चलती रहती है। अच्छा, पूरे टाइम चलती रहेगी। अच्छा, तो जब आप जैसे आपकी मैंने चीज़ वाली पाव भाजी ली है, तो इसके अंदर आप ऊपर से चीज़ ग्रेट करोगे? चीज़ ग्रेट करोगे। कौन सा चीज़ यूज़ करते हो? अमूल का। अमूल का। और बटर भी, जो बटर वाली है उसके अंदर भी अमूल ही यूज़ करते? अमूल बटर। अच्छा भैया, भैया ये हमारा ऑर्डर। अब भैया लगा रहे हैं हमारा ऑर्डर। पहले लग रही है हमारी चीज़ वाली पाव भाजी। भैया जो पाव है, पाव दिखाओगे एक बार कैसा है? ये बना हुआ है ना, नॉर्मल वाला पाव दिखा दो, जो ये वाला है, कोई अगर निकाल के दिखा सकते हो। भाई देखो, पाव भी है जो नॉर्मल मार्केट में जो पाव मिलते हैं उससे सॉफ्ट है। ये भैया बनाते हो कि मार्केट से लेते हो? खुद के बनते हैं। खुद के बनते हैं। अच्छा, तभी ये नॉर्मल से ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं। बनाओ। अभी ये देखो बन रहा है हमारा पाव। ठीक है, डालो भैया आपसे बटर। और ये देखो मेल्टेड है ऑलरेडी अमूल बटर। ये लग रहा है हमारा पाव। चीज़ भाजी पे डालोगे कि पाव पे भी डालोगे? भाजी, भाजी पे डालोगे। ये देखो भाजी पे भी डाला हुआ है खूब एकदम। ये आ गया हमारा पाव। हाँ, नहीं नहीं सब तक इतने डाल के अलग ये आ गई हमारी चटनी। और ये देखो ये आ रहा है प्यार भर भर के डलती है चीज़। बढ़िया सा धनिया पत्ता,
चम्मच और ये हमारी बन गई चीज़ पाव भाजी की प्लेट रेडी। ये आपने लगा दिए ये लग रही है हमारी दावेली। अब मैंने आज तक दावेली कभी ट्राई नहीं करी तो पता नहीं है क्या लगाया अभी आपने। आलू का पेस्ट, आलू का स्वीट पेस्ट, स्वीट पेस्ट। अच्छा और ये हमारी भुजिया टाइप। और ये गए अनार भाई, बहुत ही सुंदर बना दिया भैया ने कैमरे की वजह से भैया को थोड़ी दिक्कत होते हुए। और ये बन गई हमारी दाबेली। बहुत ही बढ़िया भैया। और ये सौंठ है, ये इमली सौंठ ही डाली ना भैया आपने। और ये भुजिया थोड़ी सी और ऊपर से, और ये थोड़े से अनारदाने। बहुत ही काउंटर काउंटर ये लग गई हमारी दाबेली की प्लेट। अब देखो हमारी ये आ गई दाबेली और पाव भाजी। चीज़ देखो जरा पाव भाजी भाई, भर भर के भर भर के। अब आपने नॉर्मल वाली पाव भाजी तो खाई होगी, बट चीज़ वाली खाई है कि नहीं कमेंट करके बताओ। देखो कितना पार लग रहा है यार। एक बार मोटी एक बाइट दिखा, बहुत ही सही। इनके बन थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लग रहे, मतलब नॉर्मल वाले बन से। मेरी भाई चीज़ भाजी पाव। और एक बार ये दिखा दाबेली, एक बार खोल के दिखा। अरे ये आलू आलू का स्वीट पेस्ट है भैया ने बोला। अब हमने पहली बार दाबेली ट्राई कर रहे हैं तो देखो भाई अनार से खूब सुंदर ही हो गया, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। अब देखो पूजा करेगी ट्राई, इसने जो उठाया था बाइट अब खाएगी। मेरा थोड़ी सी भाजी लगा ले और अब ये खा रही है हमारी पाव भाजी। कैसी अच्छी है अच्छा है ना पाव भाजी का। एक और बाइट ले, इस बार प्याज और चटनी दोनों एक साथ लगेंगे। और ये तेरी भाजी लगाया प्याज और नींबू भी डाल दो थोड़ी सी इसके ऊपर। नींबू तेरी फेवरेट नींबू यार, इसके पड़ा। अब पाव भाजी नींबू के साथ नहीं खाई तो फायदा क्या, मस्त है। पूजा को तो खूब पसंद आई है पाव भाजी। भाजी में मसाला मसाला भी अच्छा है भर भर के मसाला डाला है, काफ़ी मतलब फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा है ना, और मैश भी काफ़ी अच्छी होती है भाजी, काफ़ी प्यारी लगी है भाजी खाने। नाइस, अब करेगी दाबेली ट्राई। और दाबेली तो मैंने भी नहीं खाई, इसी नहीं खाई। हाँ बर्गर की तरह ऐसे लेते हुए थोड़ी सी चटनी लगा ली एक साथ में, ठीक है। मेरी चटनी की ईद ने हटा दी मुझे। ये राइट हैंड में कोई दिक्कत होगी? और ये खाई इसने दावे सारे लिप्स पे लगे पूरे के पूरे। कैसा है? ठीक ही है, नॉट माय फेवरेट। मीठा आलू है मुझे अच्छा। हाँ तो उस दाबेली का मतलब ही होता है कि स्वीट पोटैटो का पेस्ट होता है। दाबेली भी अच्छी लगी और पाव भाजी, पाव भाजी अच्छी, पाव भाजी मस्त। अब डालेंगे नींबू जो कि पूजा ने किया था मिस। ये लिया कोई नहीं, अब करेंगे ट्राई भाई। काफ़ी फ्लफी से हैं इनके, इनका जो पाव है काफ़ी फ्लफी है। लेंगे अब ये बाइट। आहा आ गया मुंह में पानी। अब कर रहे हैं ट्राई।
मैंने खूब सारा नींबू डाल दिया। हो रहा है बहुत ही मस्त, बस काफ़ी ज़्यादा खट्टा खट्टा कर दिया मैंने नींबू को। एक बार नॉर्मल वाली भी लेते हैं एक बार बाइट। साइड में शायद से नींबू नहीं था, ये वाली लेते हैं। आहा, खूब सो नींबू ना हो, नींबू नहीं है। बहुत ही मज़ेदार पाव भाजी का टेस्ट, स्पेशली जो चीज़ डाल रखी है ना एकदम ओवर पावर नहीं कर रही। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना चीज़ का ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगा और पाव भाजी का नहीं आया, पर बहुत ही फाड़ लग रही है, मज़ा आ गया खा के। दाबेली ट्राई करते हैं, मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ दाबेली, आपको भी दिखाते हैं कैसा लगती है दाबेली। अब ये पूजा को काफ़ी मीठी सी लगी थी, उसे अच्छी नहीं लगी। हम करेंगे ये हरी वाली चटनी के साथ ट्राई, ये भी अब खाते हैं। टिश्यू पेपर खो गया है। अच्छी लगी, मतलब ओके है पहली बार के हिसाब से, क्योंकि ये स्वीट है तो इसे मीठी चटनी के साथ खाओगे तो थोड़ी सी अजीब लगेगी। मतलब मेरा रिव्यू है, मेरा ओपिनियन है, हरी चटनी के साथ काफ़ी सही लग रही थी खाने में, ऐसा नहीं कि बुरी लग रही थी, सही लग रही थी खाने में। अब प्याज और चटनी के साथ खाते हैं पाव भाजी। ये ली पाव, थोड़ा सा भर के लिया इस बार चीज़, देखते हैं चीज़ क्या करता है फ्लेवर पे। ये थोड़ी सी ये ली चटनी, भाई खूब बड़ा बाइट बन गया है, मेरे मुँह से ज़्यादा बड़ा बाइट लग रहा है मेरे को। हाथ मुँह सब में लग गया। अगर भाजी का टेस्ट बताऊँ तो बहुत ही फाड़ है, मज़ा आ जाएगा, आगे ज़रूर ट्राई करना। सेंट्रल मार्केट में शॉप है इनकी, झकास एकदम, अनिल कपूर सर झकास जैसे बोलता है ना वैसे झकास है इनकी पाव भाजी। दाबेली भी ओके है पर पाव भाजी इज़ वेरी फाड़। मैंने चीज़ वाली आज तक नहीं खाई थी, बहुत ही मस्त है, मज़ा आ जाएगा आपको। आना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इनमें से ज़रा रेट करो पाव भाजी को, क्या रेट मिलेगा? 8.5, नाइस। तो गाइस हमने झकास पाव भाजी वाले की पाव भाजी 2 सुन गए, जो कि काफ़ी मस्ती, हमने चीज़ वाली ली थी, बहुत ही बढ़िया थी यार। मतलब चीज़ भी अमूल ने डाल रखा था, बटर भी उन्होंने अमूल का यूज़ कर रखा है, बहुत ही बढ़िया थी, ज़रूर ट्राई करना। और दाबेली भी ली थी, दाबेली मेरे को ठीक लगी, पूजा को मतलब पूजा रो रही थी खाते हुए, पता नहीं क्यों इसने पहली बार ट्राई करी थी, मैंने भी पहली बार ट्राई करी थी, मेरे को और ना मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब पाव की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रखी हुई थी और भाजी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आओ जरूर ट्राई करना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, मस्त रेड वाला बटन उसे ग्रे बनाओ एकदम प्यार से, प्यार दोगे तो अच्छा लगेगा। और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना कैसी लगी आपको वीडियो, और हमें सजेस्ट करो कि हम और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टडा, बाय कर लो, लाइक एंड सब्सक्राइब, बहुत ही बढ़िया।